हेलो एवरीवन, मैं हूं सरताज सर। आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 54वां दिन, 54th डे। और आज के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूं ये हार्डली हैड, बेयरली, स्केयर्सली, फिस्केयर्सली, अजीब अजीब तरीके का, पता नहीं, मेरे तो डर भी लग रहा है देख के इनके इस्तेमाल। भैया ऐसे इस्तेमाल बहुत कम मिलते हैं इंटरनेट पे। आप सीख जाओगे तो अच्छी बात है ना, इंग्लिश बोलने में आसानी हो जाएगी और दूसरों पर भरम भी बन जाओगे, कहां से लाता है ऐसी अंग्रेजी के भैया फ्रेज। अब ऐसे कमाल कमाल के वर्ड सीखने के लिए और इनका इस्तेमाल सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में एक बेल आइकन लगा उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चले गए, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सीखते हैं ये हार्डली, फार्डली, स्केयरली क्या है, ये सारी चीजें। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डली हैड की। अब ये हार्डली हैड देखो भैया, देख रहे हैं कितना खतरनाक सा लग रहा है। एंड आई एम श्योर कि आपने पहले इसका यूज, मतलब बहुत लोगों ने देखा होगा लेकिन बहुत सारों ने नहीं देखा होगा। तो आज आपको इसका यूज समझ में आ जाएगा और आपको इसका यूज करना भी आ जाएगा। आओ सबसे पहले मैं आपको इसकी हार्डली हैड की हिंदी बता देता हूं। इसकी हिंदी क्या होती है? तो हार्डली हैड की हिंदी होती है मुश्किल से ही कि, अभी अभी मैं एग्जांपल देकर दिखाऊंगा ना तो तब समझ में आएगा। तो मुश्किल से ही डॉट 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 की, ये इसकी हिंदी यानी कि इसकी मीनिंग होती है। इसका फॉर्मूला जब देखोगे ना तो तुम तो हिल जाओगे कि ये क्या है। देखो फॉर्मूला समझाता हूं, इसका ध्यान से देखना। हार्डली हैड का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हार्डली हैड ये पहले लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीन ही है ना, एक दो तीन, हाँ थर्ड फॉर्म। पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया क्योंकि इसमें दो सेंटेंस जुड़वा होंगे इकट्ठे। उसके बाद वैन, इसमें वैन जरूर आएगा हार्डली हेड में, वरना गलत माना जाएगा, हम नहीं खेल ले तुम्हारी डेन है भैया। उसके बाद वैन के बाद फिर दोबारा सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो हार्डली हेड वाले सेंटेंसेज में दो सेंटेंसेज हुआ करेंगे, पहले वाले में वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरे वाले में वर्ब की सेकेंड फॉर्म। हाँ ठीक है, चलो आप दो एग्जाम्पल्स लेते हैं फिर आपको समझ में आएगा। जैसे एक पहला एग्जाम्पल लेते हैं और हमारा पहला एग्जाम्पल है मुश्किल से मैंने देखा ही था कि वह चला गया। अब इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करो, हम अपनी लाइफ में कैसे बोलते हैं भाई, मुश्किल से मैंने उसे देखा ही था, इस मतलब मेरी नजर उस तक गई थी, वो तो उठ के चला गया, बड़ा किलसा बात फूका बात हमसे। तो मुश्किल से मैंने उसे देखा ही था, बस ये समझ लो कि मेरी नजर ही पड़ी थी उस पर, वो तो उठ के भग लिया, उठ के चला, पता कहां मिर्चे लग गई उसके। तो मुश्किल से मैंने देखा ही था कि वह चला गया। आओ इस सेंटेंस को बनाते, इसमें आ रहा मुश्किल से ही कि, देखो ये ऐसे सेट हुआ, मुश्किल से मैंने देखा ही था कि वह चला गया। अब इसे बनाते हैं, सबसे पहले हार्डली हैड, अब उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देखना, सी की थर्ड फॉर्म, सीन हो गया, इतना बन गया। इसका मतलब ये हुआ मुश्किल से मैंने देखा ही था, हार्डली हैड आई सीन। अब आप सोचो वॉइस ऑफ हेड पहले आ गया, फिर भी इंटरोगेटिव नहीं है, यही तो सीन है, इसीलिए तो इसको जो टीचर इससे बच के निकल जाते हैं। मेरे जैसे कुछ बढ़िया बढ़िया टीचर से सिखाते हैं, नहीं सभी सिखाते हैं, बच्चे नहीं सीखते हैं। ठीक है, तो hardly had I seen यानी मुश्किल से मैंने देखा ही था। अब की के लिए when, hardly had I had seen, नहीं I had क्यों आएगा, head आ तो गया शुरू में, मेरी भी इंग्लिश वीक है। hardly had I seen when, अब वह चला गया, चले जा, वैसे जाने को तो go कहते हैं लेकिन चले जाने को go away कहते हैं, go away ये phrase है चले जाने के लिए। अब यहां पे लगेगी verb की second form, तो go, went, gone, went लगेगी, so he went away हो गया। अब पढ़ के देखते हैं इसे कैसा लग रहा है, देखो तुम इधर देखो, मैं मुंह से बोल रहा हूं, hardly had I seen when he went away, hardly had I seen when he went away। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया, लग रहा नहीं लग्जरी सा देखने में, कितना बढ़िया सा लग रहा है। तो इस तरीके से इसका यूज होगा। आओ एक और लेते हैं, जैसे एक और लेते हैं, मैं मुश्किल से मैंने पूछा ही था कि वह रोने लगी। अरे भाई साहब, मैंने वो पूछा ही था, बहन क्या हो गया, वो तो फूट फूट के रोने लगी, जैसे पता नहीं मैंने उसकी बारात में जो है उसके दूल्हा की घोड़ी पे लात मारी हो। तो मुश्किल से मैंने पूछा ही था कि वह रोने लगी, यहाँ पे फिर से आ गया मुश्किल से ही कि, चलो बनाते हैं। तो मुश्किल से मैंने पूछा ही था, पहले बनाते हैं,
Hardly had I asked, यहाँ पे ask की third form लगी, वैसे second भी asked ही होती है, इसलिए थोड़ा पहचानना मुश्किल है. Hardly had I asked, मुश्किल से मैंने पूछा ही था कि when, वह रोने लगी. So she began to cry. Started भी लिख सकते हैं क्योंकि begin माने भी कोई काम शुरू कर देना, लगना होता है, और started भी माने रोना शुरू कर दिया, रोने लगी. तो begin की second form लिख दी मैंने यहाँ पे, और start लिखता तो start की second form लिखते हैं, लिखनी पड़ती started to. तो यहाँ पे began to, she began to cry, we भी लिख सकते हैं. तो sentence बना, hardly had I asked when she began to cry, और to हटा दोगे तो ing हो जाएगा, she began crying या she started crying. वो gerund infinite मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, नहीं पढ़ाए गया, पढ़ा रखे हैं, जाके देख लो फिर से day one से. तो ये भैया hardly had का यूज हो गया, सही है. अब आप बनाओ, मुश्किल से मैंने सर की वीडियो को देखा ही था कि मैं इंग्लिश बोलने लगा, मुश्किल से मैंने सर का डांस देखा ही था कि माइकल जैक्सन मुझे जीरो लगने लगा. ठीक है, आओ अब भैया नेक्स्ट वाला, वो बेयरली फेयरली इंतजार कर रहा है उसका, इसके इसी का ही भैया है वो, उसका यूज देखें. और भैया नेक्स्ट वाला है बेयरली हैड, ऐसा लग रहा बरेली हैड, अजीब सा है, बेयरली है बरेली नहीं है. अब ये जो बेयरली हैड है ये उसी भैया हार्डली हैड का ही भैया है, मैंने अभी आपको जो बताया था. आप चाहें तो इसकी जगह हार्डली हैड का भी यूज कर सकते. अभी इसकी हिंदी बताई नहीं है पूरी राम कथा, मैं भी अजीब टीचर हूं, कैसा हूं मैं, कैसे पढ़ाता हूं बच्चों को पता नहीं कैसे पढ़ते होंगे, फिर भी मैं अभी बता दूंगा. कुल मिलाकर ये उसी का ही अल्टरनेट है, आप चाहें तो हार्डली हैड का भी यूज कर सकते हैं, यस का भी कर सकते हैं. चलो पहले इसकी हिंदी पर नजर मारते हैं. उसकी हिंदी थी मुश्किल से ही और कि. अब ये जो बेयरली हैड है बरेली वाला, इसकी हिंदी है बस ही कि. अब ये बस चल के जाने वाली नहीं है, अभी दो एग्जांपल दूंगा मामला सेट हो जाएगा, तुम्हें बाग समझ में आ जाएगा कि आखिर इसका इस्तेमाल कैसे करना है. तो बेयरली हैड की हिंदी है बस ही की. आओ इसका पहले फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला हार्डली हैड जैसा ही है. सबसे पहले बेयरली हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चेप देनी है, फिर वैन लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म. यानी बेयरली हैड वाले के साथ में थर्ड फॉर्म, और उसके बाद वाले वैन वाले के साथ में सेकेंड फॉर्म. चलो फिर देर किस बात की है, आप डांस करते करते दो एग्जांपल लेते हैं, ये बेयरली फेयरली भी सेट करते हैं. पहला एग्जांपल है, एग्जांपल दिमाग में नहीं आते, बेइज्जती हो जाती है. हाँ हाँ याद आ गया, याद आ गया. उसने बस खाना पकाया ही था कि मेहमान आ गए. ओ भाई साहब, उसने बस खाना पकाया ही था, ये समझ ले खाना पका के बैठी थी, मेहमान टपक गए, सारा खा गए, हंडिया खाली. तो आपने देखा इस वाक्य में बस भी आ गया, ही अब ही भी आ गया, की भी आ गया, इसलिए बेयरली हैड की मीनिंग है बस ही की. सो उसने बस खाना पकाया ही था कि मेहमान आ गए. आओ इसे बनाते हैं, पहले ये बनाते हैं, उसने बस खाना पकाया ही था. तो यहाँ पे उसने यानी लड़की है, क्योंकि खाना पका रही है, जैसे लड़के भी पकाते हैं, डजन है ये, कोई इसे पर्सनली मत ले लेना, कभी मुझे जो है वायरल कर दो, देखो ये केस आए, यूं कह रहा है लड़के ही खाना पकाते हैं, सब पकाते. माना कि एक्स बराबर लड़की, आई मीन माना कि उसने बराबर लड़की, लड़का होगा तो ही लिख देंगे, तो शी का यूज करेंगे. उसने बस खाना पकाया ही था, barely had she cooked the food. तो यहाँ पे cook के थर्ड फॉर्म आई, barely had she, देखो रूल के अनुसार चल रहे हैं हम, सबसे पहले barely had, फिर सब्जेक्ट यानी she, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म cook, की थर्ड फॉर्म cooked the food. अब कि मेहमान आ गए, तो यहाँ पे लिखेंगे कि के लिए that नहीं, when. यहाँ पे जितने भी मैं अभी सिखा रहा हूँ ना, सब में when ही लगेगा, कि के लिए when. मेहमान आ गए सेकेंड फॉर्म के साथ बनेगी, कम की सेकेंड फॉर्म came, guests came. अब एक मेहमान होता तो गेस्ट लिख देते, एक से ज्यादा है तो मैंने गेस्ट्स लिख दिया, वो बच्चे बच्चे लेके आए ना अपने सारे, क्या करें अकेले नहीं आता हमारे मेहमान. तो कुल मिलाकर बना barely had she cooked the food when the guests, सॉरी गेस्ट्स दा लगाने की आदत सी है, गेस्ट्स केम. एक बार फिर से एक साथ बोलता हूं, barely had she cooked the food when guests. इंग्लिश वीक है यार, छोड़ो तुम पढ़ लेना. ठीक है, तो ये बन गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट. एक एग्जांपल और बाकी है, और भैया एक एग्जांपल मुकेश पे लेते हैं. और एग्जांपल है, मुकेश ने बस पतंग उड़ाई ही थी, मुकेश ने बस पतंग उड़ाई ही थी कि किसी ने काट दी. ओ, मुकेश की तब आट लग गई होगी, मांझा सद्दी सब चला गया उसका, तो कन्ने पन्ने ढीले हो गए. सो मुकेश ने बस पतंग उड़ाई ही थी कि किसी ने काट दी. सो चलो ठीक है, आओ इसे बनाते हैं. सो बेयरली हैड मुकेश फ्लॉन द काइट, बेयरली हैड मुकेश, फ्लाई की थर्ड फॉर्म, फ्लॉन द काइट, इसका मतलब हो गया मुकेश ने बस पतंग उड़ाई ही थी. अब कि किसी ने काट दी, वैन समवन, कट कट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, तो यहां पर सेकेंड फॉर्म लिखी है
वो भी कटी है, समवन माने किसी ने या कोई ने, तो समवन कट, तो कुल मिला के बना बेरली है मुकेश फ्रॉम द काइट वेन समवन कट, कट इट भी कर सकते हैं, उसे काट दी, आगे बढ़ा सकते हैं। हो गया, समझ में आया ना, देखा बरेली वाले का यूज। अब इसी तरीके से आप इसमें हार्डली का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बात है कि मुश्किल से मुकेश ने पतंग उड़ाई ही थी, मुश्किल से उसने खाना पकाया ही था, मतलब कहने के हिंदी में अलग अलग तरीके हैं, तो उसी के हिसाब से मैंने आपको उसकी अंग्रेजी बता दी। आओ अब इनकी जेनरेशन का तीसरा भैया देखते हैं, और भैया नेक्स्ट वाला देखो, और भैया नेक्स्ट वाला है स्केयर्सली हैड, ऐसा लग रहा है स्केरी सा, स्केरी माने होता है डरावना, वैसे ये स्केरी नहीं है, इसकी शक्ल स्केरी है, बस ये लिखा है स्केयर्सली scarcely had, और ये भी hardly had, और वो अभी बरेली वाला barely क्या सीखा था, उन्हीं का ही चचताऊ का लौंडा है। अब इसकी हिंदी सुनो, और इसकी हिंदी है ही की, और कम हो गई, पहले मुश्किल से ही, फिर हो गई, फिर बस ही, अब ये की ही हो गई, ठीक है, की ही, सॉरी ही की, अबे क्या है ये, की है क्या है, मुंडी में ना घूम रही, चलो तुम देख लेना पढ़ लेना। आओ अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, फिर इसके ऊपर लेते हैं दो एग्जांपल्स। भैया इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले स्केर्सली हैड, जैसे कि हम सब में लगाते हुए आ रहे हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर वैन, फिर उस सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो कुल मिलाकर अब तक सभी में सेम फॉर्मूला है, बस फ्रंट वाली चीज बदली है, किसी में हार्डली हैड है, किसी में बेरली बरेली फरेली है, और ये स्केरी हैड, सॉरी स्केर्सली हैड है, ठीक है। तो ही की आओ इस पे बनाते एक एग्जांपल, जैसे मैंने टीवी खोला ही था कि लाइट चली गई, अक्सर हम ऐसे कहते हैं घर में, अरे मम्मी मैंने टीवी खोला ही था, बस समझ लो मैं कार्टून देखने जा रहा था फैशन शो वाला, लेकिन जब ही बत्ती चली गई, सो मैंने टीवी खोला ही था कि बत्ती चली गई, या लाइट चली गई, बत्ती चली गई, एक ही बात है। आओ इसे बनाते हैं, सेंटेंस क्या है, फिर से सुन लिया ना, मैंने टीवी खोला ही था कि बत्ती चली गई। आओ इसे बनाते हैं, तो सबसे पहले मैंने टीवी खोला ही था, इसमें ही और की दोनों आ गए, जो कि इसकी हिंदी है। सो स्केर्सली हैड आई स्विच्ड ऑन द टीवी, स्केर्सली हैड आई मतलब मैंने, अब खोलने को ओपन नहीं, पेच का से नहीं, रिमोट से खोलने की बात हो रही है, स्विच ऑन की, तो उसकी थर्ड फॉर्म लग गई, स्विच्ड ऑन द टीवी, स्केर्सली हैड आई स्विच्ड ऑन द टीवी, कि लाइट चली गई, कि बत्ती चली गई, की के लिए दैट नहीं, ये हार्डली स्केर्सली और बेरली के साथ वैन लगता है की के लिए। सो वैन, अब बत्ती चली गई, बत्ती चले जाने को पावर, बत्ती को कहते हैं, लाइट को कहते हैं, और चली जाने को गो ऑफ कहते हैं, तो सेकंड फॉर्म लगेगी, पावर वेंट ऑफ, गो की सेकंड फॉर्म हो गई। तो कुल मिला के बना के स्केर्सली हैड आई स्विच्ड ऑन द टीवी व्हेन द पावर, या खाली व्हेन पावर वेंट ऑफ। होए होए, इतना बढ़िया सेंटेंस, देखा तुम बना पाते, इसके बिना नहीं बना पाते, मैंने देखो तुम्हें इसका यूज बताया। आओ अब इसके ऊपर एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर इसके ऊपर मामला फिनिश हो जाएगा। चलो देखते हैं, जैसे सचिन ने क्रिकेट खेला ही था कि बारिश होने लगी, भाई सचिन ने क्रिकेट खेला ही था, ये समझ लो बस आए ही था, उनने कच्छा पहना ही था, बल्ला उठाया ही था कि बारिश होने लगी, या कि बारिश होने लगी, सचिन ने क्रिकेट खेला ही था कि बारिश होने लगी, इंग्लिश सुनो क्या होगी, इसमें भी ही और की दोनों आ गए। So scarcely had Sachin played cricket, play की third form, scarcely had Sachin played cricket, इसका मतलब है सचिन ने क्रिकेट खेला ही था कि when बारिश होने लगी, it के साथ लगाएंगे, होने लगने को start कहते हैं, बारिश को rain, it started raining, start की second form आ गई, hardly बार बार दिमाग में आ रहा, आप चाहे तो लगा सकते हैं, barely भी लगा सकते हैं, scarcely had Sachin played cricket when it started raining, या it began raining, समझ में आया? ओ भाई साहब, I am sure कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कितने बढ़िया-बढ़िया तरीके से बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज मैंने आपको hardly had, barely had, scarcely had सिखाया, जिनकी हिंदी आपको थोड़ी-थोड़ी अलग लगी होगी, लेकिन आप तसल्ली से, ठंडे दिमाग से, मेरी तरह नहीं उबलते हुए डांस करते हुए दिमाग से, अपने दिमाग से देखेंगे तो तीनों का मतलब कुल मिलाकर एक ही है, हिंदी हल्की हल्की सी अलग है, लेकिन आप एक दूसरे की जगह इनको यूज कर सकते हैं और मजे से इनके साथ कमाल कमाल के सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलो भैया, बारी है आपके सेंटेंसेस बनाने की, देखते हैं आप स्केर्सली, हार्डली, बेरली, बरेली, फलेली, दिल्ली, मुंबई, झुमके फुमके वाले कितने सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैडम लगाओ इनके लिए एक कमाल का होमवर्क,
ये रहा भैया आपका होमवर्क, अभी से ध्यान से देखना, इसमें दिए गए सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हार्डली स्केर्सली और बियरली का इस्तेमाल करते हुए, और भैया फिर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके उसे टाइप कर देना, मैं लाइक कर चेक कर दूंगा, कोई गलती करोगे तो कॉमेंट में ही आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, इससे प्रैक्टिस होगी और सभी लोग आके देखेंगे भाई साहब कितना बढ़िया इनने अपना होमवर्क कराए, मेरा हार्ट भी उसी में चिपका हुआ होगा। और बाद इसका आंसर तो आपको मिलेगा कल वाली वीडियो में। अब बारी है कल की वीडियो जो गुजर गई उसकी आंसर शीट चेक करने की। मैडम उसकी आंसर शीट लगाओ, ये रही उसकी आंसर शीट। भैया कल आपने जो होमवर्क किया था मैंने उसे चेक तो कर लिया था, लेकिन फिर भी अपनी दिल की तसल्ली के लिए आप मैच कर सकते हैं, थोड़े बहुत अलग अलग हो, डोंट वरी, आपका फिर भी सही है, मैंने आपको वेरी गुड दिया, एक्सीलेंट, जाओ घर पे भी दे दूंगा। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो हार्डली फाडली वाडली वाडली के ऊपर, एंड आई एम श्योर आपको मजा आएगा। कुछ ही दिन बाकी रह गए कोर्स कंप्लीट होने में, उसके बाद आपके लिए एक सरप्राइज, तो सरप्राइज के लिए वेट किस बात का, अभी जाते जाते इस वीडियो को एक प्यारा सा टुच्चा सा मुच्चा सा नन्ना सा लाइक देकर जाना, शेयर भी मारना।